Welcome back to the channel, guys. I'm Tushar and you are watching TWM. Good morning, internet. So the time is 9:30 in the morning. We Bhiwandi bypass highway pe. और आज का प्लान है विरार वसई नाला सोपारा. आई मीन जितना होता है उतना मैं कोशिश करूँगा ट्रैवल करने के लिए, या फिर विरार वसई तक. तो ट्रैफिक है वैसे, बट क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था सुबह, तो आप सबको लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था हिडन प्लेस ऑफ बदलापुर, वो आपको पसंद आया होगा ज़रूर. प्लीज़ उसके बारे में मुझे कुछ बताइए. उसमें अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, अगर मुझे बताना चाहते हो. आई होप अभी पूरा एरिया कवर हो रहा होगा. लास्ट टाइम तो पूरा अच्छे से कवर नहीं हो पाया था. एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैं उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाया था. फील कर रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ मैं आपको. अराउंड सुबह 8:30 के आसपास मैं घर से निकला था यहाँ आने के लिए. मैं हूँ अभी विरार में, बीच पे हूँ. बीच का नाम मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये व्यू दिखाऊँगा. ये व्यू देख के आप लिटरली बहुत खुश हो जाओगे. तो ये व्यू कुछ ऐसा है. ये जो बीच अभी आप देख रहे हैं, इस बीच का नाम है रांगाओ बीच. यहाँ पे कोई भी नहीं है. Yes, any few people over there, but अगर आप देखोगे तो कोई भी. And see, the whole beach is empty and few people sitting over there shade के नीचे. जो व्यू है यहाँ का, जो एम्बियंस है, इज सो सुपर्ब. हर जगह पे ट्रैफिक. अब जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, इतना सही लग रहा है. दिस विंड नॉइज and the birds. It's awesome.
ये जो बीच है ये यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, दिस इज नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। यहाँ से और एक बीच है जो 4 or 5 kilometers के अंदर है, कलम बीच नाम है उसका। मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ बस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शूट करने के बाद। और मैंने सुना है वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, द प्लेस वेयर यू कैन स्ट्रीट ईट, यू नो, ड्रिंक, रेव, रिपीट काइंड ऑफ थिंग। सो मैं यहाँ पे शूट करता हूँ, फोटोज़ क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर दैट हम मिलेंगे कलम बीच पे। और इस बीच के बारे में आपका क्या व्यू है, आपको कैसा लगा ये बीच, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Then 20 minutes I reach at Kalamb beach. Beach थोड़ा सा dirty है और कचरा बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे shops है and यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है, like there are so many things to eat, वड़ा पाव से लेके समोसा पाव, after that pizza, burger, sandwich, everything is available over here. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो बीच था वो डेफिनेटली मतलब अगर आपको शांति चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आप अगर आपके पास खाना कैरी नहीं कर रहे हो प्लीज़ वहाँ पे मत जाओ, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कलम बीच बहुत मज़ा आया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1.5 hours हो गया मैं यहीं पे हूँ। मैं बहुत घूमा, मैंने बाइक पानी में भी चलाया बट अभी मैंने कैमरा अटैच नहीं किया था हेलमेट के ऊपर, नया कैमरा तो बस थोड़ा टेक केयर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सैंडविच खाया देन और भी जो कुछ भी खाया आपको वीडियो में दिख जाएगा। बेसिकली एक बहुत अच्छा जगह है ये, अगर यहाँ पे आप वन डे ट्रिप करना चाहते हो या फिर आपको यहाँ पे लाइक सैटरडे संडे घूमना है तो इट्स वेरी नाइस प्लेस। सो प्लीज़ यहाँ पे आओ, विजिट करो एंड आई एम 110% श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कलम बीच से भी और विरार से भी, जाते आते अगर कोई अच्छा होटल मिलता है तो मैं वहाँ पे थोड़ा वेट पूजा करूँगा एंड देन वेट टू होम। मैं 3:30 को ही विरार से निकल, thank you.
वेयर मास्क, वेयर हेलमेट, यूज सैनिटाइजर. चलो बाय.